पहचान लगया। ना चाह ना चाहत कोई ना कोई ऐसा वादा, ना चाह ना चाहत कोई ना कोई ऐसा वादा, हाथ में अंधेरा और आंख में इरादा, कोई चेहरा मिटा के और आंख से हटा के, चंद छींटे उड़ा के जो गया छपाक से पहचान ले गया। एक चेहरा गिरा जैसे मोहरा गिरा, जैसे धूप को ग्रहण लग गया, छपाक से पहचान ले गया। थैंक यू, थैंक यू। टाइम तो वैसे 12:30 हुआ है, पर मैं हमेशा कहती हूँ गुड मॉर्निंग, जब जागो तभी सवेरा। और थैंक यू दीपिका, जो आपने लक्ष्मी का रोल प्ले किया, और मुझे बहुत खुशी है कि एक्चुअल में जो ब्यूटी है आज आपने दिखा दिया कि ब्यूटी इम्पॉर्टेंट नहीं होती है। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी थी, इस कॉज को बाहर लाना बहुत ज़रूरी था, और कहीं ना कहीं जो सर्वाइवर विक्टिमाइज होती है और जो सोसाइटी के दिमाग में जो तेजाब है, ये फिल्म के थ्रू लोगों के दिमाग से तेजाब निकलेगा, क्योंकि ये जी चुके हैं, इनके लिए अभी भी देखना आसान नहीं है। लेकिन मेरी उम्मीद है कि इस फिल्म से वो सिर्फ यही याद रखेंगी कि ये उनकी जीत है, ये हमारा पूरा सफ़र, उनका पूरा सफ़र, हमारे हाथ में जो ये पूंजी है छपाक के नाम की, ये लक्ष्मी की जीत है, वो याद रखना ज़रूरी है। एसिड वायलेंस जैसे विषय पर एक फिल्म बनी है, उसमें गाने होना इमेजिन करना बहुत मुश्किल था, पर गाने हैं, रोमांस है, लव सॉन्ग है, और ये जो गाना है, ये जैसे दीपिका ने कहा, ये हमारी फिल्म का सोल है, रूह है हमारी फिल्म की। और आसान नहीं है कि इस तरह की फिल्म में कैसा म्यूज़िक दें, ज़्यादा खुश भी नहीं हो सकते, ज़्यादा उदास भी नहीं हो सकते, एक बहुत ही महीन बैलेंस कायम रखना ज़रूरी होता है। लव्स के तौर पे क्या लिखें जब आप एसिड अटैक्स के बारे में बात कर रहे हैं, ये सारे मुश्किल काम मैंने सौंपे शंकर एहसान लॉय, एहसान आज यहाँ नहीं है, एहसान वी मिस यू वेरी मच, और उन्हें जिनके लव्स इस गाने में हैं, तो मैं उन्हें स्टेज पर बुलाना चाहूँगी। शंकर लॉय प्लीज़ कहें। थैंक यू दीपिका, टाइम तो वैसे 12:30 हुआ है, पर मैं हमेशा कहती हूँ गुड मॉर्निंग, जब जागो तभी सवेरा। मुझे बहुत खुशी है कि मैं मेघना मैम से 2016 में मिली थी, और मेघना मैम ने बोला कि लक्ष्मी हम इस कॉज पे काम करना चाहते हैं साथ में, क्योंकि अगर देखा जाए 2013 से पहले कोई भी एसिड अटैक वायलेंस को नहीं जानता था उस तरीके से, लेकिन जब खुद सर्वाइवर्स बाहर निकल के आई और अपनी स्टोरी को रखना शुरू किया, तो वो हर कानों में वो आवाज़ गई, और जब वो आवाज़ गई तो आज वो एक फिल्म के रूप में बाहर आई। दूसरा ये भी कि सोसाइटी को ये फिल्म एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट देगी, और थैंक यू दीपिका, जो आपने लक्ष्मी का रोल प्ले किया, और मुझे बहुत खुशी है कि एक्चुअल में जो ब्यूटी है आज आपने दिखा दिया कि ब्यूटी इम्पॉर्टेंट नहीं होती है। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी थी, इस कॉज को बाहर लाना बहुत ज़रूरी था, और कहीं ना कहीं जो सर्वाइवर विक्टिमाइज होती है और जो सोसाइटी के दिमाग में जो तेजाब है, ये फिल्म के थ्रू लोगों के दिमाग से तेजाब निकलेगा। तो मुझे बहुत खुशी है कि आज हम लोग साथ में हैं,
और इस कॉज को आगे बढ़ा रहे हैं, और जो लोग विक्टिमाइज होते हैं उनको एक्चुअल में फाइटर के रूप में बाहर लेके आ रहे हैं. सो थैंक यू सो मच. और आप सब लोग भी ज़रूर जाइएगा मूवी देखने, और आप लोगों को पता चलेगा एक्चुअली में कि क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है. तो जब आप मूवी में देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा कि क्या होती है लाइफ में प्रॉब्लम्स. थैंक यू. जब भी मैं ट्रेलर देखती हूँ तो अगेन इट्स हैपनिंग. कैन वी कैरी ऑन एंड डू दिस लेटर? डोंट नीड टू अनाउंस द नेम. मैंने सिर्फ इस मोमेंट के बारे में सोचा था कि आप लोग ट्रेलर देखेंगे और फिर हमको स्टेज पे आना है, उसके बाद हमको कुछ बोलना पड़ेगा, इसके बारे में मैंने सोचा ही नहीं था. जब भी मैं ट्रेलर देखती हूँ तो अगेन इट्स हैपनिंग. कैन वी कैरी ऑन एंड डू दिस लेटर? I'm really sorry. She's not seen this completed before, so it is a little overwhelming. Guys, please don't do that. Please, mat kariye na. Please. I just want to say that it's not often where you come across a story where you have to sit through an entire narration. Usually you have to sit through the entire process and then decide whether you want to do a film or not. And it's not often where you come across a story where you know instantly in the first few minutes of meeting a director that this is what you want to commit your life to. And Chhpaak is that for me. Meghna, thank you so much for trusting me with this. It's been an incredible journey, emotionally, putting it together. And I feel like irrespective of how it's received and how it does, it'll be my most special film of my career. And I truly hope that all of you see, I think the impact that the film is supposed to have on all of us, and the reason why we did this movie, I hope you see in it what we saw in it. We've made it with a lot of love, a lot of passion, a lot of enthusiasm, with a lot of responsibility, and yeah, thank you so much. I'm just lost for words. Thank you. Thank you.